अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीना रईस। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना रईस। होप यू ऑल आर फाइन सेफ एंड हेल्दी। आज हम बड़े ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे टोरेंडोज बना रहे हैं, जिन्हें स्पैरल पोटैटो स्पैरल भी कहा जाता है और ट्विस्टर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम इसे विदाउट मशीन बनाएंगे। वही बात कि सबके घरों में मशीन की सहूलत हर वक्त अवेलेबल तो नहीं होती ना। मेरा मकसद ये है आप लोगों को हर चीज़ ईजी वे में, शॉर्टकट में बताना, ताकि आप इसे बआसानी घरों में अपने बना सकें, इंजॉय कर सकें। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जाना, आप चलते हैं रेसिपी की जाने। अच्छा जी, सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू आपने जितने लेने हैं, जितने आपको बनाने हैं, इतने आप मीडियम साइज़ के ले लें। आप अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मीडियम साइज़ के ही लीजिएगा, या छोटे साइज़ में लीजिएगा। बहुत बड़ा जो लार्ज आलू होता है, इतना बड़ा उस साइज़ का आपने नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। अच्छा, आलू लिया है, आलू को हमने छील लिया है, सही है, इसका छिलका हमने रिमूव कर लिया, अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब ये हम लेंगे कि स्क्यूअर लेंगे या हुडिंग की, आप कोई भी आपके पास स्टिक हो वो ले लें। यहाँ इस तरह इसको सेंटर में रख के और हमने इसको प्रेस करना है हल्के हाथ से, जिस तरह स्क्रू ड्राइवर से करते हैं ना हम, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने यूँ घुमाते जाना है, ऐसे करके। ये देखें, इस तरह घुमाते जाना है और इसको इस तरह करके प्रेस करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता जाएगा। एक दो बार करेंगे आपको इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। आराम आराम से करते रहेंगे, आराम आराम से करते रहेंगे। जहाँ भी आप देखें अटक रहा है, बीच में ये जाम हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो आपने इसको इस तरह करके घुमाना है, ऐसे करके। तो फिर ये देखें अंदर से जाएगा, ये देखें अब ये फिर रुक गया। फिर हमने इसको इस तरह करके घुमाना है और हमने बिल्कुल इसको यहाँ पर ले आना है, टॉप से ये निकल जाएगा। ये देखें, ये निकल आया, इसको हम सेंटर में लाएंगे, ये। अच्छा जी, अब करनी है हमने इसकी कटिंग। कटिंग हमने करनी है, ये देखें, नाइफ लेनी है हमने। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है नाइफ आपकी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखें, टॉप पर हमने इस तरह कट लगाना है, इसको हमने यूँ तिरछा रखना है, ठीक है। वैसे यूँ नहीं रखना, सीधा नहीं रखना, सेंटर में इस तरह नहीं रखना है, बीच से नहीं करना है, ये यहाँ स्टार्ट से करना है, जो नोक होती है ना आपकी नाइफ की, ये लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमने कट लगाना है, इसको तिरछा रखना है, ठीक है। और ये इसका जो ये है ना, ये पार्ट, ये बिल्कुल हमें स्क्यूअर से टच होना चाहिए, आपको महसूस होगा, ये देखें। बस इस तरह हमने तिरछा करके इसको यूँ गोल घुमाते रहना है, बहुत स्लोली स्लोली करना है, बड़े आराम से करना है, केयरफुली करना है। ये देखें, ये स्टार्ट हुआ था ना यहाँ से, ये देखें ये आ गया, हमने इसको इस तरह करके तिरछा घुमा देना है, नज़र आया आपको, ये देखें इस तरह करके आहिस्ता 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 हम ऐसे घुमाते रहेंगे। ये देखें बड़े आराम से हो रहा है। एक ख़राब होगा आपसे, क्योंकि पहला जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझसे भी ख़राब हुआ था, लेकिन जिस जिस तरह बनाते रहेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये देखें कितना आराम से, देख रहे हैं ना आपके निशान, ये देखें बस तिरछा रखना है, सही है। ये देखें बिल्कुल हम लास्ट पर जा रहे हैं, बिल्कुल एंड में जा रहे हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये छुरी का ये हिस्सा आपकी जो स्टिक आ रही है, स्क्यूअर आ रहा है, इससे टच होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। मतलब ये देखें, नज़र आ रही होंगी आपको इस तरह की लेयर, ये छुरी, बस आपने इसको तिरछी रखनी है। ये देखें बिल्कुल लास्ट पे जा रहे हैं हम, ये घुमाते रहना, जब यहाँ देखें ना, अच्छा तिरछी रखेंगे तो ये खुद ब खुद घूमेगा, अगर आप सीधा रखेंगे तो ये इस तरह कट हो जाएगा, सही है। आपने छुरी सिर्फ तिरछी रखनी है, ये देखें एंड पे आ गए बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको बड़े आराम से सेट करना है, आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है इस काम में, सही है। स्लोली स्लोली हमने इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह सेट करना है, ये खुल जाएगी, ये देखें। जितना आपको गैप देना है इतना आप रख लें, जितना आपका स्कीवर का साइज है, वुडिंग आप जो भी इसके अंदर यूज करें उसका साइज है, इतना बस आपने इसमें स्पेस दे देना है। अच्छा, इसके बाद जितने भी आपको आलू बनाने हैं आप इस तरह सब तैयार कर लें, उसके बाद फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको पानी में डिप करना है, ताकि आलू का जितना भी स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाए।
अच्छा जी, अब हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए हमने आधी प्याली ऑल पर्पज फ्लोर्स लिया है, मैदा लिया है, और 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने कॉर्नस्टार्च लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस में सॉल्ट, रेड चिली फ्लैग एंड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, ये टेस्ट अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाना है, चटपटा खाना है, तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, और अगर कम खाना है तो इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। इसका कोई भी मेजरमेंट या क्वांटिटी नहीं है इस। अच्छा जी, अब इन तमाम स्पाइस को हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ग्रेजुअली इसके अंदर हम रूम टेम्परेचर पानी ऐड करके इसका एक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और कितनी थिकनेस रखनी है ये मैं भी आपको बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसका ये जो आपने पेस्ट तैयार करना है ना, इसके लिए बर्तन आपने इस तरह लंबाई में लेना है, बाउल में नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए इनका साइज लंबा है ना, बड़े हैं ये, तो इसलिए इजीली इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, देखें इतनी थिकनेस चाहिए हमें, ये देखें। अच्छा जी, अब एक एक हम ये उठाएंगे अपना आलू का, और इसके अंदर इस तरह स्पून की मदद से ऐड करते जाएंगे। अच्छा, मेक श्योर रहिएगा इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। घुमाते जाएंगे बस स्पून की मदद से, इसके अंदर हमने ये जो गैप है ना, इसके अंदर हमने भर देना है, ठीक है। घुमा के फिरा के इस तरह करके बड़ा इजीली लग जाता है। इस तरह करके डालने के सारा अंदर चला जाएगा, चारों साइड पे हमने इस पे लगा दिया है। अब इसको हम इस तरह ऐसे रख देंगे, ये देखिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर से टपकेगा वो नीचे इसमें टपक जाएगा। इसी तरह हम सारे अब इन पर अपनी ये कोडिंग सी कर लेंगे पेस्ट की। अच्छा, जो ऑयल हमने पहले ही प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था, फ्लेम हमारी इस वक्त बिल्कुल स्लो है, स्लो फ्लेम पर हम वन बाय वन इसके अंदर ऐड करेंगे। जितना स्पेस हो आपने इसमें इतने ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। देखते हैं इसमें कितने आते हैं, दो तो आ गए बड़े आराम से, तीसरा भी आ सकता है। ये देखिए, ये तीसरा भी आ गया है। अब मीडियम फ्लेम पर हमने उलट पुलट करते हुए इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेना है, अच्छा सा कलर दे देना है, और उसी दौरान ये हमारे स्पायरल भी कहा जाता है इन्हें, ये हमारे फ्राई भी हो जाएंगे और बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। एक दो मरतबा इसकी साइड चेंज करेंगे, जब देखेंगे हमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इस पर, तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। जी, बड़े अच्छे से क्रिस्पी से हो गए ये, और कलर भी इन पे देखें बहुत अच्छा सा आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इसे अभी अभी थोड़ी देर हमने किसी स्ट्रेनर पे रखना है, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सारा निकल जाए, या पेपर टॉवल पे रख दीजिएगा। इसी तरह अब हम सारे अपने स्पैरल फ्राई कर लेते हैं सेकंड पेज में, फिर मिलते हैं आपसे इसकी फाइनल लुक के साथ। अच्छा जी, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी करारे ट्रेंडोस रेडी हैं। अब हम इसकी फाइनल डेकोरेशन करते हैं, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं, जितना आपको पसंद हो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस पे आप जैसा दिल चाहे आप केचप ऐड कर सकते हैं, आप मेयो ऐड कर सकते हैं, आप कोई चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने ये सॉस बनाई है, चाहे तो आप इसे दही या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से, झटपट से, विदाउट मशीन हमने घर में बना के रेडी कर लिए हैं। अब आप जब दिल करे आपका, आपके बच्चों का,
आप इसे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, मजे करें, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।